दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विधायक कुलदीप सिंह राठौर भी वहां उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य को सुनिश्चित करने और देश की राजनीति को दिशा देने का चुनाव है। ये चुनाव भविष्य की राजनीति तय करेगा। नामांकन पत्र दाखिल किया, क्या कहेंगे इसको लेकर के सर? देखिए, हमारे चारों जो सांसद के प्रत्याशी है, श्री विनोद सुल्तानपुरी जी का आज शिमला संसदीय क्षेत्र से नामांकन भरा गया है। चारों प्रत्याशी के हमारे नामांकन भरने का कार्य पूरा हो चुका है और निश्चित तौर पर हम नामांकन के बाद हम जनता की अदालत में जाएंगे। सर, प्रचार अब लगातार कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस है और क्या लगता है भरोसा एक बार फिर से लोकसभा में भी और बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पकड़ाएगा? मैं चारों संसदीय क्षेत्र में गया हूँ, चारों संसदीय क्षेत्र में हम जनता की अदालत में गए। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र के भविष्य को सुनिश्चित करने का भी चुनाव है, देश की राजनीति को दिशा देने का भी चुनाव है। इस चुनाव में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं का सौदा किया है और जो विधायक जनता के वोट पर चुनकर आए और भारतीय जनता पार्टी को जब जनता ने नकार दिया तो 14 महीने पुरानी सरकार को वोट के दम पर सत्ता हासिल ना कर सके, नोट के दम पर सत्ता हासिल करने की कोशिश की और किसी ना किसी तरह से जो आम लोगों की सरकार है, जिसमें आम लोगों से संबंधित योजनाओं को हमने पूरा किया, उसको गिराने की जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, हम जनता की अदालत में उसको रख रहे हैं। सर, जयराम ठाकुर तो लगातार अपने चुनावी भाषण में भी ये कह रहे हैं कि 4 तारीख को सरकार देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार। तभी तो मैं कह रहा हूँ, ये चुनाव भविष्य की राजनीति तय करेगा। वो राजनीति जो जनताओं की भावनाओं का ख्याल रखकर सत्ता में जनता की सेवा कर रही है, और जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं, जयराम ठाकुर जी का मैथमेटिक्स कमजोर है, 62 का हाउस है, 62 के हाउस में 34 हमारे विधायक अभी हमारे पास है, उनके पास 25 विधायक है। मान लीजिए कि 6 इनके विधायक जो अभी चुनाव में बिके हुए विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनको पसंद करते हैं ना BJP के कार्यकर्ता उनको पसंद कर रहे हैं, अगर वो चुनाव भी जीत गए तो 25 और 6 कितने हो गए? 31। हम कितने हो गए? 34। 3 जो आजाद विधायक हैं उनका भी चुनाव होना है, कब होना है, किसके साथ होना है, तब वो कहेंगे उस समय सरकार बनाएंगे। वो 5 साल आने वाले नहीं है, उन्होंने जो दर्जी के पास कोट सिलने को दिया हुआ है वो उसी दर्जी के पास रहेगा उनका, तो उनको यह बोल देना। और अब उन्होंने महंगा सूट खरीदा होगा क्योंकि सोचा होगा, सपने तो देखने हैं ना, उन्होंने 29 तारीख का सूट दिया हुआ, पता लगा कि दर्जी से अभी सूट को वापस नहीं लिया है इन्होंने, तो बोलना वो अगले 5 साल बाद अगर जनता उनको चाहेगी, अगर हमने अच्छा काम किया तो हमें चाहेगी। तो ये जनता तय करती है, जयराम ठाकुर जी तय नहीं करते। तो उनको बोलो कि मैथमेटिक्स में थोड़ी सी निपुणता हासिल करे। मेहनत करनी है, अभी तो लड़ाई शुरू है और अपने तरफ से जो बेस्ट हो सकता है अपनी बेस्ट परफॉर्म करना है। लोगों के मत को हमें मेहनत करते हुए उनके दिल को जीतना है, उस पर काम कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स? अद्भुत।
बहुत अच्छा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।